आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के विद्वानों और शीर्ष ज्योतिषों से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाया है। लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, वो लोग घर बैठे किन मंत्रों का जाप और श्री राम का पूजन करें, आइए आपको बताते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज अति सूक्ष्म मुहूर्त में होने जा रही है, जो दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक होगा। ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त, इंद्रयोग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में होगा। पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक आज ये 84 सेकंड का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। जो लोग इस मुहूर्त में पूजन करेंगे, उनको इसका लाभदायक फल प्राप्त होगा। इसलिए जिस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस 84 सेकंड में सभी लोगों को प्रभु राम की स्तुति करनी चाहिए। साथ ही साथ सुंदरकांड के अलावा रामचरितमानस का भी पाठ करना चाहिए। इस दौरान रामायण के सभी पाठ करना संभव नहीं है, इसलिए श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय श्री रामचंद्र कृपाल भजनम का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से सभी का कल्याण होगा।